हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीइंग हेल्दी। मैं रोहित आपके साथ। देखिए, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही रेयर तरह की टीबी के बारे में बात करेंगे। और इस तरह की जो टीबी होती है, आपके लिवर जो आपका ऑर्गन होता है उसमें हो जाती है, जिसे हम हेपेटिक टीबी भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके कारण, लक्षण और इसका इलाज। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वीडियो पूरा वॉच करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, जो लिवर है हम लोग के शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो जब टीबी का बैक्टीरिया अगर आपके लिवर में इन्फेक्शन कर देता है, तो इस तरह की जो टीबी होती है, इसे हम लिवर टीबी कहते हैं या हेपेटिक ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। देखिए, जो लिवर टीबी होने के जो चांसेस है वो ना के बराबर है। 10-15% केसेस में ही देखा जाता है कि इस तरह की जो टीबी है पेशेंट को होती है 100 में से। देखिए, अगर आपने टीबी के बैक्टीरिया को सांस के थ्रू अगर आपने लंग्स में ले रखा है, लंग्स से अगर ये बैक्टीरिया आपके लिवर तक पहुंच जाता है और अगर आपका इम्यून सिस्टम डाउन है, तो आपको लिवर टीबी हो जाती है। देखिए, लिवर टीबी होने के चांसेस उन लोगों में या उन पेशेंट में ज़्यादा होते हैं जिनने आसपास अपना लिवर का ट्रांसप्लांट करा रखा है या जो कुपोषण का शिकार है। और सबसे ज़्यादा जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, उन लोग में हाई चांसेस रहते हैं कि उनको लिवर टीबी बड़ी आसानी से हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को लिवर से जुड़ी बीमारियाँ होती, जैसे फैटी लिवर हुआ, लिवर सिरोसिस हुआ, तो ऐसे लोगों में टीबी, लिवर की जो टीबी होता है, इस तरह की टीबी होने के जो चांसेस होते हैं वो बाकी पेशेंट से ज़्यादा होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं लक्षण की। देखिए, जो लिवर टीबी होता है, इसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं उनको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो शुरुआती लक्षण होते हैं लिवर टीबी के, ये स्पष्ट नहीं होते। जब ये बीमारी एक थोड़ी सी एडवांस्ड स्टेज में चले जाती है, उसके बाद कुछ लक्षण पेशेंट को दिखते हैं जिसके बेसिस में टेस्ट होते हैं। तो अगर लक्षण की बात की जाए, सबसे पहला जो लक्षण होगा वो वेट लॉस होगा, आपका वजन तेजी से कम होगा। इसके बाद जो सबसे कॉमन लक्षण देखा जाता है वो होता है नौजिया का, मतलब हर समय आपको ऐसा फील होगा कि आपको उल्टी आ रही है, या जब भी आप कुछ खाना खाओगे, ज़बरदस्ती खाओगे, तो आप तुरंत उल्टी कर दोगे, आपको बुखार हो सकता है। और थोड़ा सा और जब भी बीमारी एडवांस होगी, तो आपका जो है पेट दर्द करेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जब आपकी बीमारी थोड़ी सी एडवांस हो जाएगी, तो लिवर टीबी के केस में इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि लिवर टीबी की जांच कैसे होती है। तो जो लक्षण मैंने अभी आपको बताया, इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिले, तो आपको जो है जल्द से जल्द जो पेट के डॉक्टर होते हैं, जिसे हम गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट कहते हैं, उनके पास आपको जाना है। तो वहाँ पे आपके कुछ टेस्ट रिकमेंड किए जाएंगे, जैसे कि सीटी स्कैन हुआ, जिसमें आपकी लिवर की इमेज देखी जाती है, एमआरआई स्कैन भी कराया जाता है। ठीक है, और कुछ केस में देखा जाता है जो बायोप्सी होती है वो भी करवाई जाती है, ये जाँचने के लिए कि वाकई में जो इन्फेक्शन हुआ है वो टीबी का है या नॉन टीबी का है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं इसके इलाज की। देखिए, इलाज के तौर पे आपको कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं, और ये वही ड्रग्स हैं जो टीबी के एंटी टीबी ड्रग्स होते हैं, जिससे टीबी ठीक की जाती है। तो बेसिकली 4 तरह के ड्रग्स आपको दिए जाते हैं, रिमफार्मसिन, आइजोनाइजेट, पायरेजिनामाइड और इथम्बटोन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये 4 ड्रग्स का एक कॉम्बिनेशन टैबलेट आपको दिया जाता है आपके एज के हिसाब से, और ये दवाई आपको मिनिमम 1 साल तक खानी होती है विदाउट मेकिंग एनी गैप। ठीक है, तो ये जो दवा है आपको टोटल ओरल ही खाना होता है। कुछ रेयर केस में अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये दवा काम नहीं कर रही, तो कुछ केसेस में जो लिवर में जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसे सर्जरी करके हटा दिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में अगर आप टाइम पे इसका इलाज शुरू करते हैं, तो जो है सिर्फ दवा से इस टीबी को ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो लिवर टीबी है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, शुरुआती लक्षण को अगर आपने इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया, तो ये घातक रूप ले सकता है, इससे लिवर फेल हो सकता है, और अगर लिवर फेल हो गया तो जो पेशेंट है उसकी मौत निश्चित है। देखिए, जो लिवर टीबी है, इसके होने के जो चांसेस हैं बहुत ही रेयर हैं, लेकिन बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिनको लिवर टीबी भी हो जाता है जब बैक्टीरिया उनके लिवर तक पहुँच जाता है। तो ऐसे में घबराना नहीं है, जो आपकी दवा है, जो आपके डॉक्टर चालू करेंगे, इसको आपको 1 साल तक खाना है। कोर्स को बीच में आपको नहीं छोड़ना, अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो सकता है, जिसे हम एमडीआर टीबी कहती हैं, और अगर एमडीआर बिगड़ गया तो पेशेंट की मौत निश्चित है। तो ये था शॉर्ट वीडियो ऑन लिवर टीबी, जो बहुत ही रेयर फॉर्म ऑफ टीबी होता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।